वेलकम टू रेसलिंग चैंपियन यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में जिसको देखकर विंस मैकमैन भी रो उठे थे। जी हां, विंस मैकमैन WWE के बॉस, वो इंसिडेंट को देखकर भी अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक सके। तो कौन सा था ये इंसिडेंट, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे हम सबको पता है कि WWE चल रही है विंस मैकमैन के नाम से, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि विंस मैकमैन है बॉस WWE के और सभी बड़े काम होते हैं विंस मैकमैन की निगरानी में। जितना हम देखते हैं विंस मैकमैन का करैक्टर WWE TV टैपिंग्स पर, वो है एक तरह से बैडस करैक्टर में, मतलब चीज़ों को शेकअप करने में और बड़े चेंजेस करने में एक तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत अहम रोल निभाते हैं विंस मैकमैन TV टैपिंग्स पर भी। मतलब हम सब ने विंस मैकमैन कई बार देखा होगा बैकस्टेज पर भी, लेकिन हमने यही ऐसी बात नहीं सुनी विंस मैकमैन के द्वारा कि वो इमोशनल हो गए थे। जी, हमने कोई विंस मैकमैन के नाम से कोई ऐसी बात नहीं सुनी कि उनके लिए कोई ऐसी न्यूज़ आई हो कि विंस मैकमैन हो चुके हैं बहुत ही इमोशनल। तो जी नहीं, हमने ऐसी बात कभी भी नहीं सुनी। तभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसी बात जिसको देखकर हो गए थे विंस मैकमैन बहुत ही इमोशनल। इमोशनल के साथ साथ उनकी आंखों से आ गए थे आंसू, और ये मूवमेंट हुआ था WrestleMania 32 में, जब हमें मैच देखने को मिला था शेन मैकमैन वर्सेस दी अंडरटेकर हेल इन अ सेल मैच। और ये मैच बहुत ही अच्छा चलता है, मतलब एक तरह से ब्रूटल मैच हम कह सकते हैं। और जिस तरह की रही है परफॉर्मेंस इन दोनों सुपरस्टार्स की इस हेल इन अ सेल मैच में, वो वाकई काबिल तारीफ है। तो हमें इस मैच में एक ऐसा सीन देखने को मिलता है जो रोंगटे खड़े कर देता है। और जैसे तो आपको पता है कि शेन मैकमैन का एटीट्यूड कैसा बना हुआ है WWE में, वो है एक तरह से फियरलेस करेक्टर में, मतलब वो ऐसा कुछ करते हैं जो होता है बहुत ही फियरलेस। तो इस बार इस मैच में हमें देखने को मिला था ऐसा फियरलेस मूवमेंट, वो वाकई एक अनबिलीवेबल मूवमेंट था। और ये था हेल इन अ सेल स्ट्रक्चर से ऊपर खड़े रहकर जंप मारना नीचे तक। इस मूवमेंट ने बना दिया इस बड़े मैच को बहुत ही खतरनाक मैच। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जब इस मैच की ट्रेनिंग हो रही थी, मतलब परफॉर्मेंस सेंटर पे, तब हमें देखने को मिला था कि विंस मैकमैन डिसाइड कर रहे हैं शेन मैकमैन का ये जंप, मतलब विंस मैकमैन ने कहा था कि तुम्हें डालना पड़ेगा दी अंडरटेकर के ऊपर जंप हेल इन अ सेल स्ट्रक्चर से ऊपर खड़े रहकर। मतलब एक तरह से ये जंप डिसाइड किया है विंस मैकमैन ने अपने बेटे के लिए कि वो जंप करेंगे इस स्ट्रक्चर के ऊपर से नीचे तक। और ये एक किसी बाप के लिए ऐसी बात करवाना वाकई एक बहुत ही फियरस वाली बात हो जाती है, क्योंकि अगर ये मूवमेंट ना हुआ होता तो ये मैच बड़ा नहीं बनता। तो मतलब इस मैच को बड़ा बनाने के लिए विंस मैकमैन ने चूज किया कि बहुत ही बड़ा मूवमेंट कि अपने बेटे को पुश किया कि वो जंप करें हेल इन अ सेल स्ट्रक्चर से। तो इस मैच के बाद हमें देखने को मिलता है बहुत ही इमोशनल मूवमेंट विंस मैकमैन के लिए। तो इस मैच में यहाँ पर हारते हैं शेन मैकमैन। तो जब WWE रेफरीज लेकर जाते हैं शेन मैकमैन को रैंप के थ्रू बैकस्टेज पर, उसके बाद बैठे होते हैं विंस मैकमैन गोरिल्ला पोजीशन पर, और शेन मैकमैन बैकस्टेज पर जाकर सबसे पहले मिलते हैं विंस मैकमैन को और लगाते हैं उन्हें गले। यहाँ पर लिटरली विंस मैकमैन के चेहरे पर, मतलब विंस मैकमैन की आंखों पर थे आंसू, जैसे कि आप देख रहे हैं इन पिक्चर्स में कि आप कैसे हैं विंस मैकमैन की आंखों में आंसू। और विंस मैकमैन ये कह रहे हैं कि आई एम प्राउड ऑफ यू। ये प्राउड ऑफ यू क्यों, मतलब पहले ये मैच को कम्पीट करना, दूसरा इतना बड़ा जबरदस्त मैच देना, और तीसरा इतनी बड़ी और खतरनाक जंप लगाना, और वो भी वो जंप जो डिसाइड की हुई थी विंस मैकमैन ने। इस बैकस्टेज के दौरान हमें देखने को मिलते हैं शेन मैकमैन की वाइफ और उनके बच्चे भी वहां पर, लेकिन उनका यहां पर विंस मैकमैन के साथ चलता है हग बहुत ही लंबे टाइम तक, और विंस मैकमैन अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे उस वक्त। तो ये था वो सीन जब हमें देखने को मिली है विंस मैकमैन पहली बार इमोशनल TV टैपिंग्स पर। तो मुझे कमेंट कर बताया कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो इतिहास की वीडियो अच्छी तो लाइक करें, और WWE की लर्निंग के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें।